सो गाइस, हमें ऑटो वाले ने छोड़ दिया रोड के दूसरे साइड, और यहाँ अंडरपास से जाना होगा, तब जाके हम उस साइड रोज गार्डन के गेट पे पहुंच पाएंगे। मुझे मुझे लगा कि आप बोलेंगे अंडरपास में पानी भरा हुआ है, हमारे दिल्ली की तरह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये अंडरपास भी आपको हम नीचे जब जाएंगे तो दिखाएंगे कि चंडीगढ़ का जो अंडरपास है वो काफी मतलब काफी डेकोरेटेड और काफी नीट एंड क्लीन है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो अभी हम जब जा रहे हैं तो दिखाएंगे आपको। ऐसे यहाँ ऊपर से मैं दिखाता हूँ, जा तो रहे ही है। ये देखिए, ये यहाँ से डायरेक्ट हम फिर रोज गार्डन के लिए चले जाएंगे। हो सकता है कि ये रोज गार्डन के लिए इसलिए मतलब इतना नीट एंड क्लीन है, ओवरऑल तो पूरी सिटी नीट एंड क्लीन है, तो उसके लिए तो हम बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा क्लीन लगा। बात तो सही है। बारिश सुबह काफी तेज हो रही थी, सभी जगह पानी भी लग गए थे, और विद इन जैसी थोड़ी सी पानी बारिश कम हुई और तुरंत पानी सारा रोड से गायब। ऐसी सिटी प्लान होनी चाहिए कि मतलब लोगों को दिक्कत ना हो। आपका क्या कहना है दिल्ली गवर्नमेंट को कि सुधर जाए? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और चंडीगढ़ गवर्नमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लोगों के बारे में सोचा जाए, लोगों के हित के लिए किया जाए। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। अंडर पास में भी लोग फोटो शूट कर रहे हैं, यहाँ का अंडर पास कितना ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली ये रोज गार्डन के लिए बना हुआ सबसे ही अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, चलिए जाए। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा अंडरपास देखा है, जो काफी अच्छा लग रहा है। एक फोटोग्राफर के लिए बहुत यूनिक चीज है कि यहाँ पे अंडरपास में फोटोग्राफी का एग्जीबिशन लगा हुआ है। अंडरपास ऐसा होना कि यहाँ पे फोटोग्राफी किसी जगह को यूटिलाइज करना इसे कहते हैं, है ना? जो चलने वाले रास्ते हैं उसे भी यूटिलाइज कर लिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रॉस ब्लॉगिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। कुछ ब्लॉग हम मेरे अंशु ऑफिशियली अकाउंट पे आएंगे और कुछ ब्लॉग हमारे पंकज अंशु ब्लॉग पे आएंगे। तो जिन लोगों ने अंशु ऑफिशियली को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें, ताकि कुछ ब्लॉग जो इस पे मिस होंगे वो वहाँ पे उन लोगों को मिल जाएंगे। सो बस बने रहिए हमारे ब्लॉग में और इंजॉय करिए इस अंडर पास को, बिना पानी के सूखा पड़ा अंडर पास। देखिए इतना अच्छा है कि अंडर पास में लोगों ने यूटिलाइज कर लिया उसको, डेकोरेटेड करके म्यूजियम एग्जीबिशन लोग लगा एग्जीबिशन लगा के। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यार ये चंद, मैं तो पहले भी आया था उस समय भी बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रास से कितना और अच्छा आज तो मतलब कि इस तरह का नीट एंड क्लीननेस देख के तो मैं तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा है, क्या ही मैं बताऊं। कलर कितना सुंदर है इस रोज का, एकदम रेड कलर। मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ या फिर ये रोज ज्यादा सुंदर लग रहा है? वुमेन।
तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे obviously you. Thank you. मौत को छू के टक से वापस आ सकता। ये देख सकते हैं यहाँ कहीं कहीं पे QR कोड लगे हुए हैं। QR कोड को स्कैन करके हम इससे इस रोज की वैरायटी पता कर सकते हैं और रोज के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। और इस रोज का नाम है कलर रोज। काफी अच्छा लग रहा है ये चीज, मुझे बहुत अच्छा लगा QR कोड स्कैनर। ये मैंने फर्स्ट टाइम कहीं देखा कि QR स्कैनर के थ्रू हमें प्लांट्स के बारे में पता चलेगा। बहुत सही चीज है। सो गाइज, आप लोगों को हमारा ये चंडीगढ़ ट्रिप कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो जो चीज़ें आप लोगों ने, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जो चीज़ें हमने मिस करी वो सब भी हमें बताएं कि हमें क्या घूमना चाहिए था। और जो लोग नहीं आए हैं उस वीडियो के थ्रू वो चंडीगढ़ घूम सकते हैं और देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने रॉक गार्डन को एक्सप्लोर किया, जो कि मुझे पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा रॉक गार्डन। उसके बाद सुखना लेक, उसमें हमने क्रूज से बोटिंग करी, वो भी काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद अभी हम लास्ट में आए हुए थे रोज़ गार्डन। अभी तो रैन का सीज़न चल रहा है तो इस वजह से अभी फूल काफ़ी सूखे हुए खिले हुए नहीं हैं। विंटर के समय यहाँ के फूल काफ़ी खिले रहते हैं, जो कि फेब में और अप्रैल में। यहाँ रोज़ बहुत सारे कलर के और अनलिमिटेड रोज़ होते हैं क्योंकि ये रोज़ गार्डन ही है। बट फिलहाल अभी कुछ आप इधर देख सकते हैं कि इधर कुछ रोज़ हैं बट उसके प्लांट सूखे हुए हैं, अभी उतने ज़्यादा रोज़ खिले हुए नहीं है। तो इस ब्लॉग को बस यही करते हैं एंड और चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं कल एक दूसरे पार्ट को। और कल है हमारी फाइनल ट्रेन दिल्ली की वंदे भारत में है, जो शाम की है 6 बजे, और हम पहुंच जाएंगे 2 से 2.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद कल से फिर से वही हेडेक वाली हेक्टिक लाइफ चलेगी, ऑफिस घर किचन सब कुछ वही करना। तो फिर से उसी लाइफ में चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।